वीर वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने शोध अध्ययन से मोटे तौर पे चार भागों में विभाजित किया है। प्रसिद्ध विद्वानों और साहित्य लेखकों के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह जी इत्यादि माने जाते हैं। और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत इन कालखंडों का विभाजन, सीमांकन, नामकरण और विशेषताएं, साहित्य रचनाएं इत्यादि विभिन्न विषयों पर अपना अपना मंथन किया है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत स्वर्ण काल, स्वर्ण युग माना जाता है। जैसा कि विभाजन के अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल को विभिन्न विभाजनों में या आधुनिक काल के उप विभाजन किए गए, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, बाद में छायावाद है, प्रगति प्रयोगवाद है और साठोत्तरी कविताएं है, अकविताएं है, समकालीन साहित्य के अंतर्गत दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है इत्यादि, ये आजकल है जो लिखा पढ़ा जा रहा है। हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो भक्ति काल के बारे में बातचीत करेंगे। भक्ति काल को मोटे तौर पे दो शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्ति काल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भक्ति का जहाँ भाव है या भक्ति को जहाँ प्राथमिकता या उत्कृष्ट स्थान दिया गया है, भक्ति का सामान्य अर्थ है भगवान का भजन, प्रभु का स्मरण या प्रभु को याद करना, आपका जिसके प्रति विश्वास है, अपने इष्ट आराध्य को एक निष्ठ भाव से या समर्पित भाव से जब भक्ति की जाती है या अपने इष्ट आराध्य की पूजा अर्चना उपासना की जाती है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में जो भाव होता है वो एक निष्ठ समर्पित भाव होता है, ये भक्ति के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का यह बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि गुणों को देख करके पूजा की जाती है या गुणों के आधार पे वो सगुण है या निर्गुण है। सगुण का सामान्य अर्थ यह है कि भगवान जो अपना जो इष्ट आराध्य है उसके रूप, गुण और स्वरूप की जहाँ पूजा की जाती है वो सगुण के अंतर्गत आता है, और जहाँ सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य के प्रति एक निष्ठ भाव से भक्ति की जाती है, जहाँ पूजा अर्चना उपासना ये जपना, ये मंदिर में जा कर के प्रभु की स्मरण करना या प्रभु की भक्ति करना, कुल मिलाकर के यह है कि रूप, स्वरूप, आकार इत्यादि तत्वों को नहीं मानना, और सगुण में प्रभु के रूप, रंग और मूर्ति की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। ये मोटे तौर पे समझने का एक तरीका है। अब निर्गुण भक्ति को ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में विभाजित किया गया है। ठीक उसी प्रकार से सगुण भक्ति को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान मार्गी शाखा जहाँ ज्ञान को महत्व दिया गया, प्रेम मार्गी शाखा जहाँ प्रेम तत्व को महत्व दिया गया, ये तरीके अलग है, पंथ अलग है, रास्ते अलग है, लेकिन इनका जो उद्देश्य है, समस्त कवियों का, संतों का उद्देश्य यही है कि परमात्मा की भक्ति करना और सच्चे मन के प्रभु का स्मरण करना, उसे याद करना। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। कबीर आज भी प्रासंगिक है, उन्होंने उस समय सामाजिक कुप्रथाओं का, बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। प्रेम तत्व को महत्व देकर जायसी ने पद्मावत, अखरावट इत्यादि है जो रचनाएं लिखी है, इन्होंने अपनी भक्ति में प्रेम तत्व को महत्व दिया। राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार से कृष्ण को अपनी भक्ति का इष्ट आराध्य मानकर जो भक्ति करने वाले कवि है वो कृष्ण भक्त कवि कहलाए, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास जी माने जाते हैं। अब भक्तिकालीन साहित्य का यदि सामान्य परिचय जो हम पढ़े, जो परीक्षा उपयोगी होता है और ज़्यादातर है जो पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में ये साहित्य और साहित्यकार ये पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में भी यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो कबीर का जो साहित्य है साखी सबद रमणी और इन तीनों को मिला करके इसका जो काव्य संग्रह है जो उसे वो बीजक के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। साखी का सामान्य अर्थ होता है साक्षी शब्द से बना है, साक्षी यानी गवाही देने वाला, तो स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उस ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित करके उसमें रम जाना, और उसके बाद जो उन्होंने पद लिखे वो साखी के अंतर्गत माने गए, शब्द भी लिखे हैं रमणी, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो बीजक कहलाता है। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा और वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि मानी जाती है। अब रामचरितमानस जो है इसका कथानक रामायण से लिया गया है और उत्तरी भारत में बड़े ही चाव और रोचकता के साथ इसे पढ़ा सुना जाता है। तो तुलसीदास जी ने श्री राम जी के मर्यादो पुरुषोत्तम रूप, उनके आदर्श, उनका जो शील है, उनका जो धर्म है इत्यादि तत्वों को प्रधान मान करके अपना साहित्य रचा है। सूरदास जी ने कृष्ण को आधार मानकर कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, उनका जो वात्सल्य रूप है, माता यशोदा, नंद देव जी, गोपियाँ, राधा और यमुना नदी के किनारे उनके दोस्तों सखाओं के साथ खेलना, ये तमाम जो दृष्टांत है और जो झांकियाँ है वो इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूर सागर है, और जायसी ने प्रेम तत्व को महत्व देते हुए पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम रचनाएं लिखी है। तो ये मोटे तौर पे भक्तिकालीन साहित्य जो परीक्षा उपयोगी है और परीक्षाओं में अक्सर है जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनका अध्ययन कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद।